अगर आप पेट्रोल पंप खोलने में इंटरेस्टेड हैं, अपना खुद का एक पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। कई पेट्रोल पंप कंपनियों ने 2019-20 के आखिर तक नए 65,000 पेट्रोल पंप खोलने का टारगेट रखा है, जिसके बाद से हमारे देश में पेट्रोल पंप की संख्या दुगनी हो जाएगी। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बटन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पेट्रोल पंप कैसे खोल सकते हैं, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कितना खर्चा आएगा और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, और कितने पैसे आप एक पेट्रोल पंप खोलकर कमा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेट्रोल पंप खोलने की एलिजिबिलिटी क्या है। पेट्रोल पंप खोलने के लिए केवल 3 कंडीशन है। पहली ये कि आप भारतीय नागरिक यानी इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरी ये कि आपकी एज 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। तीसरी ये कि आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए किसी भी एक वैलिड बोर्ड से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे पहली एवं ज़रूरी चीज़ है ज़मीन। अगर आपके पास आपके नाम पर कोई ज़मीन नहीं है तो आप लीज पर भी ज़मीन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको उसके ऑनर से एक NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा कि इस ज़मीन पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ज़मीन किसी आपके फैमिली मेंबर्स के नाम पर भी है तब भी आप पेट्रोल पंप के लिए डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, खेती की ज़मीन है, तो पहले आपको उसका कन्वर्जन कराना होगा, उसके बाद आप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे में पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1200 से 16 स्क्वायर फीट की ज़मीन होनी चाहिए। और अगर आप किसी शहरी यानी अर्बन एरिया में पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपके पास 800 स्क्वायर फीट मीटर की ज़मीन होनी चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेने के लिए आपको अप्लाई कैसे कर। अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में आपको सर्च करना है पेट्रोल पंप डीलर चयन .in, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज में आप डायरेक्ट आ जाएंगे। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू ऑल एंड अप्लाई का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है, यहाँ पर आपको कंपनी के सारे एडवर्टाइजमेंट शो होंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंपनी पेट्रोल पंप खोलना चाहती है। आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना कंपनी नेम चूज कर लेंगे जो भी आप कंपनी को आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। जो भी आपको कंपनी का पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं उस कंपनी को आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद ये आपके सामने वही एडवर्टाइजमेंट तो होगी जो आपके स्टेट के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको व्यू ऑल एंड अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल पंप मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पेट्रोल पंप खोलना चाहती है, ये भी आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पर जो भी लोकेशन आपकी लोकेशन के आसपास है उसी पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा, जिसमें आपके पैन कार्ड डिटेल और नॉर्मल आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी। आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपको ₹10,000 पेमेंट आपको फीस भी करनी पड़ेगी ऑन द स्पॉट। उसके बाद आपको चूज करना होगा कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, इंडिविजुअल या फिर पार्टनरशिप में। उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कर देने के बाद आपको ₹10,000 फीस पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह आपको पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद कंपनी के अधिकारी इंस्पेक्शन करेंगे, आपके पास आएंगे, आपकी ज़मीन चेक करेंगे, लोकेशन चेक करेंगे और जो डॉक्यूमेंट जैसे NOC और लीज सर्टिफिकेट एग्रीमेंट, इस तरह के डॉक्यूमेंट सब चेक करेंगे और उसके बाद आपकी ज़मीन को फेल या पास करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए कितना खर्चा आता है, यानी आपके पास कितना पैसा होना चाहिए एक पेट्रोल पंप स्टार्ट करने के लिए। इसके लिए मैंने एक पेट्रोल पंप ऑनर से बात की, लेकिन किसी ने खुलकर नहीं बताया कि जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि एग्जैक्ट कितना खर्चा आता है एक पेट्रोल पंप खोलने में। लेकिन
लेकिन उनसे बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि पेट्रोल पंप दो तरह के होते हैं, एक कोडो और दूसरा डोडो। यानी कोडो में कंपनी ओन्ड डीलरशिप ऑपरेटेड, और कोडो में क्या होता है कि सिर्फ जमीन आपकी होती है, बाकी सारा खर्चा सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। लेकिन डोडो यानी डीलर ओन्ड डीलरशिप ऑपरेटेड, इसमें क्या होता है कि जमीन भी आपकी होती है और सारा खर्चा इन्वेस्टमेंट भी आपका होता है, मशीनरी से लेकर स्टाफ रूम टॉयलेट तक सारा खर्चा आपका अपना होता है। तो इस हिसाब से एक पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। तो अगर आपके पास 60 लाख से 1 करोड़ तक पैसा है तो आपको एक पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप पेट्रोल पंप खोलकर कितना पैसा कमा सकते हैं। पेट्रोल पंप में सारी इनकम कमीशन पर होती है, इसके लिए कंपनी के तरफ से आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है। जितने लीटर्स आप पेट्रोल डीजल बेचते हैं तो आपको उस पर कमीशन मिलता है। जैसे कि आपको बता दूं, पेट्रोल पर आपको लगभग 3 रुपये और डीजल पर लगभग 2 रुपये का कमीशन मिलता है। जैसे कि अगर आप 40 लीटर पेट्रोल और 100 लीटर डीजल बेच लेते हैं तो लगभग आपको 4 लाख रुपये का इनकम हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपका प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास कितना पैसा है। अगर आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपया है तो ठीक है, और अगर उसके पास आपसे इससे कम पैसा है तो आपको पार्टनर्स बना लेने चाहिए। इसके बाद आपको लोकेशन चूज करनी है, कंपनी के वेबसाइट पर जाना है, कंपनी के एड्स कौन से हैं लोकेशन पर हैं ये निकलते हुए आपको देखना है, उसी लोकेशन पर आप जमीन परचेज करिए या फिर आप लीज पर लीजिए। इसके बाद आपको एक ओनोसी बनवा लेनी है कि जमीन के ओनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए। इसके बाद आपको कंपनी के वेबसाइट पर जाना है, डीलरशिप के लिए अप्लाई करना है, जिसमें आपको 10,000 रुपये पेमेंट करनी है। अप्लाई करने के बाद कंपनी के अधिकारी इंस्पेक्शन करेंगे, आपके पास आएंगे, जमीन चेक करेंगे और वो सारे प्रोसेस आपका पूरा करेंगे और आपको फेल या पास करेंगे। यहाँ पर अभी तक सभी लीगल था, इसके बाद पेट्रोल पंप खोलने के लिए प्राइड भी देनी पड़े। जितने भी पेट्रोल ओनर से मैं मिल चुका हूँ, मुझे एक भी पेट्रोल ओनर ऐसा नहीं मिला है पेट्रोल पंप का जिसे इजीली पेट्रोल पंप मिल गया हो। हालांकि हर एक बंदे का कहना है कि अलग अलग पेट्रोल पंप लेने के लिए कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, तो इस तरह से आपको पेट्रोल पंप की डीलरशिप मिल सकती है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप पेट्रोल पंप खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है, कितना खर्चा आएगा और कितने पैसे आप कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे आप कमेंट्स करिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।